सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फाइनली हमारे पास आ चुका है Redmi का Note 9 Pro Max। यह दोस्तों अमेजन की तरफ से हमारे पास ये बॉक्स आ चुका है। आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि Redmi के Note 9 Pro Max में हमें क्या मिलता है और Redmi के Note 9 Pro Max और Redmi का Note 9 Pro इसमें हमें इन दोनों में दोस्तों क्या डिफरेंस है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, कौन सा फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों Redmi Note 9 Pro की मैंने पहले अनबॉक्सिंग कर दी थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखना इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस फ़ोन के बारे में बताता हूँ और अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। दोस्तों जी है वो बॉक्स जो अमेजन से हमारे पास आया है, तो चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों वैसे मैंने इसको ओपन कर देखा था क्योंकि मैंने चेक किया था कि इसमें हमें क्या कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है, तो फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने इस फ़ोन को यूज़ नहीं किया है। तो दोस्तों ये है वो बॉक्स Redmi Note 9 Pro Max, ये देखिए इसके दोस्तों की हाईलाइट की बात करें तो इस पर दोस्तों लिखी गई हैं, ये देखिए इसमें हमें Qualcomm Snapdragon का 720G का प्रोसेसर मिलता है जो दोस्तों एक काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है। इसमें हमें दोस्तों रियल कैमरा मिलता है वो 64 मेगापिक्सल का और इसका सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। तो इसके इस तो दोस्तों इस फ़ोन में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे कैमरा देखने को मिलते हैं, इससे आप अपनी बैक की और फ्रंट की दोनों फोटो अच्छी खींच सकते हो। दोस्तों इसकी डिस्प्ले है उसमें हमें कोरोनन गोरिल्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है फ्रंट और बैक दोनों तरफ, और इसकी दोस्तों डिस्प्ले जो है वो 6.67 इंच की है जो दोस्तों काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है। और दोस्तों इसका सेल्फी कैमरा जो है हमें डिस्प्ले के अंदर मिलता है बीच में इस तरीके से। और दोस्तों इस बॉक्स में हमें 33 वाट का पावर चार्जर देखने को मिलता है जिससे आप अपने फ़ोन को काफ़ी जल्दी चार्ज कर सकते हो। दोस्तों ये कुछ हाईलाइट है इसकी, चलिए दोस्तों मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों मेरे पास इसका ब्लैक कलर है लेकिन देखने में दोस्तों थोड़ा ब्लू टाइप में आता है ये, और मेरे पास इसका दोस्तों 6GB 64GB वाला वेरियंट है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो है वो ये बॉक्स, इसके अंदर हमें एक यहाँ पर पिन मिलती है जो दोस्तों मैंने निकाल ली थी, जो कुछ बुक मिलती है दोस्तों इसमें, दोस्तों एक कवर मिलता है, एक कवर है इसके अंदर, तो देखने में काफ़ी नॉर्मल केस है ये, एक रबर टाइप सा। अब चलते हैं मेन फोन की तरफ, इसको साइड में रखता हूँ, इसमें हमें और क्या मिलता है वो दिखाता हूँ आपको। दोस्तों जो मिलती है हमें सी टाइप केबल, ये सी टाइप है दोस्तों, ये सी टाइप केबल है। और दोस्तों हमें मिलता है इसमें ये 33 वाट का फास्ट चार्जर है, दोस्तों ये काफ़ी फास्ट चार्जर है और काफ़ी बड़ा भी है। चलिए इन सबको साइड में रखता हूँ और मैं आपको सिखाता हूँ फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों ये हमारा फ़ोन जो दोस्तों हमारे पास ब्लैक कलर का है लेकिन इसकी जो इसमें दोस्तों हमें जो कलर दिख रहा है वो थोड़ा ब्लू टाइप से है। दोस्तों इसमें हमें 6.67 इंच की डिस्प्ले दी गई है यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से, और इसमें हमें दोस्तों यहाँ पर पंचोल कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसके बैक में हमें 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें दोस्तों मेन कैमरा जो है वो 64 मेगापिक्सल का है, यहाँ फ्लैश दी गई है रेडमी ब्रांडिंग का। दोस्तों ये जो बैग है ये दोस्तों ग्लास का है, इसमें हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है, दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। और इसका जो दोस्तों इसमें फिंगरप्रिंट है वो हमें साइड वाले बटन में मिलता है, जी हमारा दोस्तों साइड वाला बटन है और इसी में दोस्तों हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है, जी हमारे वॉल्यूम का बटन है इधर, और यहाँ दोस्तों आप 2 SIM और एक अपना SD कार्ड लगा सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है कि आप इसमें डबल सिम के साथ साथ SD कार्ड भी लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों रेडमी के फ़ोन में पहले हमें 1 SIM और एक SD कार्ड का ऑप्शन मिलता था या फिर आप 2 SIM लगा सकते हो, लेकिन अभी आप इसमें ट्रिपल शॉट दे सकते हो। यहाँ दोस्तों इसका माइक है, स्पीकर है, यहाँ माइक है, ये सी टाइप पोर्ट है दोस्तों, और ये है 3.5 mm जैक। दोस्तों मैं उसे ओपन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने फ़ोन को सेटअप कर दिया है, आप देख सकते हो। दोस्तों सेटअप करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो फोन में हमें MIUI 13 का अपडेट भी मिला है,
तो दोस्तों अपडेट होने के बाद इसमें हमें ऐप ब्रॉड देखने को मिला है। यानी पहले दोस्तों एम आई के फ़ोन में हमें ऐप ब्रॉड नहीं मिलता था, हमारी जो भी एप्लीकेशन थी वो सिर्फ ऊपर ही आ जाती थी, लेकिन अभी आप दोस्तों अपडेट करने के बाद इसमें हमें ऐप ब्रॉड भी मिला है। इस तरीके से दोस्तों देखिए इसमें हमें ऐप ब्रॉड भी मिला है। तो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऐप ब्रॉड यूज़ करते हो तो। इसकी डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है और दोस्तों बैटरी भी काफ़ी बड़ी है इसकी। और दोस्तों सबसे अच्छी बात कि इसमें हमें एक बड़ी बैटरी के साथ साथ इसका फास्ट चार्ज भी दोस्तों 33 वाट का मिलता है, जिससे आप अपनी बैटरी को काफ़ी जल्दी क्विक चार्ज कर सकते हो। और दोस्तों इसकी कैमरे की डिज़ाइन है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, एक अलग तरीके से आती है। और दोस्तों इस कैमरे के ऊपर भी हमें गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जिससे आपके कैमरे पर ज़्यादा स्क्रैच नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप दोस्तों अपने कैमरा पर एक स्किन प्रोटेक्ट लगा सकते हो, जो कि दोस्तों आपको अपनी आपकी मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। वैसे दोस्तों मैं इसका एक आपको सीक्रेट बताता हूँ कि रेडमी के फ़ोन में हमें जो बम्प बाले वाला क्यों मिलता है, इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि ऐसा Xiaomi अपने फ़ोन में ऐसा क्यों करता है, उसके कैमरे होते हैं वो बाहर की तरफ क्यों निकले होते हैं, इसका दोस्तों रीजन क्या है वो मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊँगा अलग से। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आपने दोस्तों देखा होगा रेडमी नोट 9 प्रो दोस्तों सेम ऐसा ही है, उसमें सिर्फ आपको डिफरेंस मिलता है चार्जर का और कैमरा का। दोस्तों उसमें जो कैमरा दिया गया है वो 48 मेगापिक्सल का रियल कैमरा, और सेल्फी कैमरा दोस्तों उसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है, इसमें दोस्तों 64 मेगापिक्सल का है और 32 मेगापिक्सल का है। और दोस्तों इसका जो चार्जर है वो 33 वाट का है, लेकिन उसमें हमें दोस्तों सिर्फ 18 वाट का मिलता है। दोस्तों ये कुछ डिफरेंस हैं जो हमें रेडमी नोट 9 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स में मिलते हैं। और दोस्तों सबसे एक और डिफरेंस और है कि इसका जो बेस वेरियंट है 9 प्रो मैक्स का वो 64 GB का है, और नोट 9 प्रो का दोस्तों 64 GB का है। तो दोस्तों जो तो दो तीन डिफरेंस हैं जो हमें 9 प्रो मैक्स और 9 प्रो में मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपका बजट 1300 रुपये है तो आप 9 प्रो ले सकते हो। दोस्तों अगर आप थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो तो आप 9 प्रो मैक्स भी ले सकते हो। दोस्तों दोनों ही काफ़ी अच्छे फ़ोन हैं अपनी अपनी प्राइस रेंज पर। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स और 9 प्रो में का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आप इसे अमेजन सेल से ले सकते हो, अभी वहाँ पर सेल चल रही है, आप इसे वहाँ सेल से ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि इन दोनों फ़ोनों में से रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में से आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर है, और कौन सा फ़ोन आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन आपको खरीदना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।